हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। पापों का बलिदान। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 23 उसकी 39 आयत में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके साथ दो और कुकर्मी लटकाए गए थे। लिखा है कि एक डाकू उसके दाईं ओर और दूसरा उसके बाईं ओर लटकाया गया था, और वो दोनों भी ये बात को जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया था। लिखा है कि एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। इस पर दूसरा डाकू उसे डांट कर कहता है, मैं और तू तो अपने न्याय के अनुसार सही दंड पा रहे हैं, पर उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, अगर किसी को साधारण सा सिर दर्द हो और कोई व्यक्ति आकर उसको कोई काम के लिए बोले तो वो कहेगा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सोच कर देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उनका दिल फटने को था। जब उनको कोड़ों से रोमी सैनिक मार रहे थे तो उन कोड़ों से इतना ज्यादा मांस और लहू बाहर आ रहा था कि उनकी हड्डियां भी दिखाई देने लगी थी। उनके सिर पर कांटों का ताज था और उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो घायल न किया गया हो। पर फिर भी क्रूस पर वो उस डाकू से कह रहे थे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप सोच कर देखें कि एक व्यक्ति जो मर रहा है, जिसका पूरा खून निचोड़ा जा चुका है, वो जाते जाते भी एक पापी को कह रहा है कि तू बचाया गया है क्योंकि उसने अपने मुँह से अपने गुनाहों को स्वीकार किया और उसने अपना मुँह परमेश्वर की ओर फेरा। बाइबल में लिखा है कि जिनके मुंह परमेश्वर की ओर है उनके मुंह कभी काले न होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यशाया अध्याय 53 उसकी 5 आयत में लिखा है कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में उस लहू के द्वारा बीमारियों से चंगियाई को पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर मूल्य अदा कर दिया है। आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपनाते हैं तो आप बचाए जाते हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमारे गुनाहों की माफी के लिए क्रूस की मौत को सहा और आपके लहू बहाए जाने के कारण हमने चंगियाई को पाया है। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।